एपीओ के लिए इंग्लिश का कोर्स था। इसके पहले मैं नरेशन से संबंधित एक वीडियो दे चुका हूं अपने चैनल में, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए तो नरेशन आपको क्लियर होंगे। जिस तरह से एग्जाम में नरेशन पूछे जाते हैं, हम उसी तरह से वीडियो में पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जब नरेशन पूछे जाते हैं तो उनका जो लेवल होता है वो लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो गलतियां होंगी। और इतनी छोटी छोटी गलतियां होंगी, जब आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे तब वो गलतियों में आप डिसबैलेंस हो जाएंगे और लगभग गलत टिक करके आएंगे। नरेशन में कुछ ऐसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो लगभग कितने चेंजेस पर आपको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ देखना है कि वो इनडायरेक्ट हमारे पास सही निकल करके आ जाए, उन चार में से कहाँ कहाँ देखना है, इसकी चर्चा आज करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें जो आपको जानना चाहिए करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो चीजें सीखेंगे। आप वो ये देखिए कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसका फ्रेम होता है ऐसे ऐसे और ऐसे, उसका फ्रेम होता है ये दो, एक सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं, एक इनवर्टेड कामा के बाहर होता है, एक इनवर्टेड कामा के अंदर होता है। तो हम इस वाले पोर्शन को, जो बाहर पोर्शन होता है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो इनवर्टेड कामा के अंदर वाला पोर्शन होता है, क्लॉज होता है, उस क्लॉज को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आगे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का गेम है वो लगभग इनके जानने समझने के बाद आप खेल पाएंगे। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इस क्लाज में कम से कम एक वर्ब होगी, इस वर्ब को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। हमें बार बार ये शब्द बोलना ज्यादा पड़ेगा, और इस क्लाज के अंदर जो वर्ब होगी उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को आपको समझना है, क्योंकि जब हम टेंस का चेंज करेंगे इसके अंदर तो हमें वर्ब पर ही ध्यान देना होगा, टोटल वर्ब पर ही ध्यान देना होगा। चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, ये बात हमें रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलेगी कि यहां पर चेंज करना है या नहीं करना है, हमको ये बताएगी। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंदर जो दो क्लाज होते हैं पूरे सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में, उस क्लाज में हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखते हैं, और इन दोनों स्पीच एंड इन दोनों क्लाजेज में कम से कम एक वर्ब होगी, और उस वर्ब को हम उसी नाम से जानेंगे, बस रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे स्पीच की जगह और रिपोर्टेड वर्ब बोल देंगे स्पीच की जगह, और ये बोलना और आपको समझना जरूरी भी रहेगा। तो पहली बात तो ये रही कि टेंस के चेंज करेंगे हम, ये हमको बताएगी चेंज करना है नहीं करना है। दूसरी बात, दूसरा जो चेंज करना है बहुत जरूरी है याद रखना है कि जब हम ये इनवर्टेड कामा हटाएंगे और ये वाला कामा हटाएंगे, तो जब हम कामाच को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, जब हम ये कामा हटाएंगे तो कोई ना कोई कंजक्शन जरूर यूज करेंगे।
कंजक्शन जरूर यूज करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि कम से कम नरेशन के परपज पे जो सेंटेंसेस हैं उनके कितने काइंड्स हो सकते हैं, तो उस काइंड पर डिपेंड करेगा कि आप कंजक्शन कौन सा यूज करें, कंजक्शन कौन सा यूज करें काइंड पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा कंजक्शन आपको इनवर्टेड कॉमा हटा करके यूज करना है, ये सेंटेंस के काइंड पर, सेंटेंस के काइंड पर डिपेंड करेगा। तो ये काइंड वर्ड मत भूल जाना, जो सेंटेंस होगा ये डायरेक्ट सेंटेंस को इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो जिस टाइप का सेंटेंस होगा, जिस टाइप का जो उसका सेंस होगा, उस सेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन यूज करना है। तो ये दूसरा चेंज है कंजक्शन, तो इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, जरूर करेंगे, कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेंगे करेंगे ही, इसलिए पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो दो चेंजेस हो गए, तीसरा चेंज हमको करना है। तीसरे चेंज के लिए आपको टेंस सीखने हैं कि टेंस रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद रखना है, ये वर्ब बताएगी टेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में का जो टेंस है वो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये दोनों बातें यहां से पता चलेगी। तो टेंस चेंज करेंगे हम, सारे टेंस चेंज करेंगे, किसको किस में चेंज करेंगे आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। जो चौथा चेंज आपको करना है वो पर्सन का चेंज करना है।